सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयपाल, आपके लिए जियो फोन के बारे में लेकर बहुत ही कमाल हिटेक न्यूज़ चली शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें जियो फोन के दोस्तों न्यू लाइफ सॉफ्टवेयर अपडेट के दोस्तों आपको क्या क्या फीचर्स मिला है। दोस्तों फीचर्स मिला दोस्तों मैं आपको 256 न्यू फीचर्स बताऊंगा जियो फोन के अंदर एड हो गए हैं और दोस्तों कुछ इसके अंदर यानी सॉफ्टवेयर का रिप्लेस कर दिया गया है। दोस्तों सब कुछ इसके अंदर बताने वाले, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देना और चैनल पर नए हैं तो चलो जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सेटिंग के अंदर जाना, सेटिंग में ओपन हो जाने के दोस्तों आपको यहाँ पे एक बार अपने लाइव सॉफ्टवेयर वो प्रेस कर देना है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने के बाद। और दोस्तों उसके बाद आपको पीछे आना है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों वाईफाई मिलेगा आपको। पहले दोस्तों मैं पहले अपडेट बताता हूँ आपको, वाईफाई को ऑन करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों WPS कनेक्ट है, इस पर आपको एक बार प्रेस करें दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लाल बटन प्रेस करो ना एक बार, तो इस तरह का नीचे से निकल जाए ऑप्शन आएगा कि आप निकलना चाहते हैं अपनी स्क्रीन से तो निकल जाओ, यदि नहीं निकल जाते तो नहीं निकलो। दोस्तों मैंने क्या बोला कि हाँ दोस्तों एक बार हो गया तो आपको दोस्तों न्यू अपडेट मिलता है। दोस्तों मैंने 2-3-4 अपडेट और खोजे दोस्तों, अगले अपडेट तो बहुत ही खास है आपके लिए दोस्तों, देख करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं चलो वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ और दोस्तों मैं अपना मॉडल बता दूँ दोस्तों, मॉडल है इसका LF2403N। इसका यह मॉडल है और इसका सॉफ्टवेयर 2.5 का, यानी इसके अंदर कुछ न्यू सॉफ्टवेयर तो हमारे को मिला नहीं है दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों हॉटस्पॉट के बारे में देखते हैं दोस्तों, हॉटस्पॉट दोस्तों वो यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको जियो स्टोर में दोस्तों 8 न्यू एप्लीकेशन पर अपडेट है दोस्तों, वो कोई अपडेट खास नहीं क्योंकि दोस्तों वो तो आप भी अपडेट ले सकते हैं, यानी मोबाइल रीसेट करो और अपडेट आ जाएगा आपको। अब दोस्तों बात आती है न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर दोस्तों, एक और न्यू फीचर्स एड है दोस्तों, वो बहुत ही कमाल का फीचर्स है। चलो मैं बताता हूँ आपको, *2886 इस तरह आपको टाइप करोगे, टाइप करो दोस्तों *2886 इस पर टाइप करोगे तब नया इसके स्क्रीन है दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन कैसी खुली हुई है। यहाँ पे एक्साइट का यहाँ पे LED फैक्ट्री रिसेट, इस पर मस्त प्रेस करना मोबाइल रिसेट हो जाएगा। और GPS टेक्स्ट और ब्लूटूथ टेक्स्ट और वाईफाई टेक्स्ट, तो वाईफाई प्रेस करोगे तो इस तरह का नया इंटरफेस आएगा, यानी नेटवर्क अभी तक कुछ भी नहीं है। और NFC टेस्ट यहाँ दोस्तों इस तरह का इधर से निकल कर आ रहा है कुछ इंटरफेस, इसको देख लेते हैं। बैटरी टेस्ट दोस्तों इस तरह से इधर से निकल कर आ रहे हैं न्यू अपडेट के बारे में। और माइक्रो टेस्ट देखो दोस्तों इधर से निकल कर आया है। और सिम टेस्ट देखो ओके पास्ट, और चार्जिंग टेस्ट फैलाएगा क्योंकि चार्जिंग केबल जोड़ नहीं रखी है। अब हम प्रेस करोगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे इसे चैनल खोजेगा तो कंपनी यहाँ पर पास कर देना है आपको। ऑटो टेक्स्ट इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे ऑडियो होती है वो यहाँ पे चलेगी। और दोस्तों अपडेट मिला दोस्तों, मैंने इसको खोज लिया है दोस्तों आपको दोस्तों, ये अपडेट दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर मिला है आपको दोस्तों। मोबाइल का स्पीकर था जो आपके सामने अभी बजा था, इसको पास कर दोस्तों, इसके बाद देख करते हैं जल्दी से। आर्टिस्ट टेक्स्ट यानी समय ये का तो होता है दोस्तों, यानी 20:19 हो गया, इसको पास कर देते हैं। फ्लैश लाइट टेक्स्ट यानी फ्लैश लाइट है इसकी ऑन हो गई, देख सकते हैं आपको ऊपर फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। ओके फ्रंट कैमरा या कैमरा जाएगा यानी कैमरा होगा होता है वो आपको चलेगा, पास करते हैं इसको, यानी मेन कैमरा या आगे वाला कैमरा। ब्लैक लिस्ट टेक्स्ट ब्लैक लिस्ट दोस्तों ओपन करते हैं तो बोल दोस्तों, यदि से आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा है दोस्तों, जैसे कीपैड टेस्ट दिखा दे रहा है दोस्तों, यानी यानी कीपैड के दोस्तों होते हैं ना, यानी इसकी लाइट वो दोस्तों यहाँ पे ऑन या ऑफ हो रही है। मैं दोस्तों एक बार इस ब्लैक लिस्ट पे ऑफ प्रेस कर रहा हूँ, आपके सामने कीपैड की दोस्तों दिखाई दे रही होगी, चलो अच्छी बात है ये तो। और कीपैड टेस्ट हमने कर ही लिया है, वो LED टेस्ट और कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे LED बदलेगी, इसको पास कर देते हैं। यहाँ पे एक साइड और फैक्ट्री, इस पर दबाना मत क्योंकि फैक्ट्री इसकी सारी रिसेट हो जाएगी दोस्तों। एक बार टाइप करके बताता हूँ *2886H, इस तरह यहाँ पे ऑटो पे क्या आता देख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मैं आपको पढ़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ और नया आई सी दोस्तों, ये कोई नया ही आया है वो की पेड बड़े दोस्तों, ये बैकलिस्ट दोस्तों वाला ऑप्शन आया, बैकलिस्ट उसका नाम यानी की पेड की लाइट वो है।
और कैमरा, फ्लैश लाइट, ऑडियो, वर्बल और एक्सेसरी और सिम चार्जर, एसडी कार्ड, एनएफसी और वाईफाई और जीपीएस, इतने ही है। यहाँ पर सारे को पास कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मिला आपको, पुराने वाले सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिला है आपको इस तरह का इंटरफेस, यानी पहले मिलते था तो सही दोस्तों, पर दोस्तों में इस तरह का इंटरफेस नहीं था। सॉफ्ट की प्रेस किया दिया, इसको पास कर दिया। कीपैड टेक्स्ट फेल, तो दोस्तों कार दे, इसे एंड कर देते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोस्तों ये तीन चार न्यू अपडेट बताए दोस्तों। एक तो आपको इस सेटिंग्स के अंदर बताया दोस्तों आपको, और एक दोस्तों आपको बताया वाईफाई के अंदर। दोस्तों वाईफाई का दोस्तों आपको पता है, वाईफाई नीचे आएंगे दोस्तों, यानी वाईफाई प्रेस करो एक बार, इसको ऑन करो। वाईफाई ऑन हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डब्ल्यू पी कनेक्ट इस पर प्रेस करना है। यहाँ पे कनेक्ट प्रेस करो दोस्तों, बैक आओगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा कि आप स्क्रीन से बाहर निकल जाते हैं या नहीं निकल जाते, या कनेक्टिंग में लगा हुआ है तो हम निकलना चाहते हैं, बेकार देते हैं। चलो वाईफाई को ऑफ करता हूँ दोस्तों। अगली अपडेट दोस्तों इसके अंदर आपको बताता हूँ मैं आपको, या फेसबुक ऐप दोस्तों इसको यहाँ पे नहीं ऊपर डाल दिया, पहले फेसबुक को यहाँ पे नीचे फेंक दिया गया था। और दोस्तों और इसके अंदर कुछ नहीं मिला दोस्तों। और दोस्तों स्टोर के अंदर दोस्तों ये 5-6 न्यू एप्लीकेशन पर अपडेट दोस्तों, वो अपडेट कोई काम की नहीं है दोस्तों। वो अपडेट तो आप अपने मोबाइल को रीसेट करके भी ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हॉटस्पॉट भी नहीं मिला दोस्तों। हॉटस्पॉट दोस्तों सॉफ्टवेयर को एक बार रिफ्रेश कर दिया, अगली बार दोस्तों सॉफ्टवेयर के अंदर हॉटस्पॉट मिल सकते दोस्तों। अब आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये दोस्तों मैंने पिछली वीडियो डाली थी इसके अंदर दोस्तों, थोड़ी क्षमा दोस्तों, क्योंकि वीडियो के अंदर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो सही नहीं था, तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। और ये वीडियो से लेकर वीडियो लाइक करना, वीडियो करना शेयर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट, धन्यवाद, बाय।